take me on a treasure hunt. I long for something new. हेलो जी, मेरा नाम राहुल पांडे और मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे। अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मैं लगभग बहुत सारी प्लेसेस कवर कर रहा हूँ। लगभग 3 साल से मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और बहुत सारी प्लेसेस मैंने कवर की है। जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ की सारी आइटनरी और कितना एक्सपेंसेस होगा वो सारी चीजें मैं अपनी वीडियोज में बताता हूँ, और कैसे जाता हूँ उससे रिलेटेड पूरे व्लॉग्स में बनाता हूँ। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके की पूरी सीरीज बनाता हूँ। इस वीडियो में मैं मनाली के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 2 मई 2022 तक मैं मनाली में था और मनाली की मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है। मनाली के अंदर और मनाली के आसपास की सारी जगह को मैंने एक्सप्लोर किया है और उसकी पूरी वीडियोस बनाई हैं। ये आई बटन में लिंक आ रहा है, यहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। और तकरीबन 15 से 16 वीडियो है और ये वाली वीडियो मनाली की आखिरी वीडियो है। इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मनाली में घूमने का खर्चा कितना लगेगा। जो आम भाषा में कहते हैं ना यार, पैसा कितना लगेगा घूमने का, वही चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला है आपको। जाने का नहीं, क्या पूरा वीडियो देखने का। और जो लोग मनाली अभी जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को यार पूरा अच्छे से देखें शुरू से एंड तक, तब उनको समझ में आएगा यार कितना पैसा लगेगा। सबका यार अपना अलग अलग एक्सपेंस होता है। मैंने अपना एक्सपेंस कैसे कैसे, मतलब वहाँ पे क्या क्या खरीदा था और क्या क्या मतलब मेरे पैसे लगे थे, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को देख के आपको मतलब एक फायदा ये होगा कि आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा आसपास लगभग कितना खर्चा आपका भी आ सकता है। जो मैं दिल्ली से मनाली गया था तो वोल्वो की मेरी टिकट थी दिल्ली से मनाली तक की 1717 रुपए की, और आने की जो टिकट थी वोल्वो की वो थी 1504 रुपए की। अपने घर से मैं ऑटो पकड़ के 20 रुपया देके मैं गया था मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से मैं 45 रुपए देके गया था ISBT से। मैंने एक ऑटो लिया था जिसने 30 रुपए लिया था और मुझे जहाँ पे बस रुकती है प्रॉपर वहाँ पे मुझे उसने छोड़ा था। बस हमारी लेट थी तो इसलिए थोड़ा 100-150 रुपए हमारा थोड़ा फास्ट फूड खाने में चला गया, क्योंकि बस लेट थी और मैंने उस दिन दोपहर को खाना नहीं खाया था। उसके बाद जब मैं मनाली के ISBT में उतरा था वहाँ से 200 रुपए मुझे टैक्सी वाले ने लिए थे और मेरे हॉस्टल तक छोड़ा था उसने। हॉस्टल पहुंचने के बाद जब डे वन में बाहर घूमने के लिए गया था तो मैंने 100 रुपीज थोड़ा फूड पे खर्चा किया था, कुछ खाया था मैंने वहाँ पे। और उसके बाद जो 50 रुपए की टिकट लगी थी वन विहार में वो मैंने पे किया था, और मनु टेम्पल और हडिम्बा टेम्पल में मेरा कोई पैसा नहीं लगा। वन विहार से विजिट करने के बाद मॉल रोड गया था और मॉल रोड में मैंने 100 रुपीज खर्च किए थे कुछ खाने में। वहाँ पे बैठ के, मैं शाम का टाइम था तो थोड़ा मैंने सोचा यहाँ बैठ के कुछ खाया जाए, जरा मनाली मॉल रोड के नजारे भी देखे जाए, तो वहाँ पे मेरे 100 रुपए लगे थे। और उसके बाद जब मैंने बाइक बुक कराई थी तो 1000 रुपए मैंने डिपॉजिट करा दिया था, तब मुझे बाइक मिल गई थी 2 दिन के लिए। और मैंने 2 दिन के लिए बाइक ली थी तो पर डे 500 रुपए का कॉस्ट था बाइक का, और 1000 रुपए उन्होंने अलग से डिपॉजिट किया था जो कि मुझे बाद में वो रिटर्न कर देते। बाइक को लेने के बाद मैं उसको जरा शाम को टेस्ट करने के लिए चला गया था थोड़ा पहाड़ों पे सोलांग वैली की तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं गया था मैं। सोलांग वैली तो काफी दूर हो जाती, मैं 2-4 किलोमीटर मनाली से आगे चला गया था सोलांग वैली की तरफ। वहां पे मैंने 300 रुपए का उसमें पेट्रोल डलवाया था, और जब मैं स्कूटी को टेस्ट करके आ रहा था वापसी में आते समय एक फेमस कैफे था, कैफे 1947, वहाँ का मैंने बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ था, वहाँ पे मैं चला गया था। वहाँ पे मेरे खर्च हुए थे तकरीबन 350 रुपए। वहाँ पे मैंने एक फ्रेंच फ्राई ली थी, एक सॉफ्ट ड्रिंक ली, और वहाँ पे 350 रुपए की बर्बादी करने के बाद हम वापस हॉस्टल आ गए, और हॉस्टल में हमारे एक मित्र थे, हम उनके साथ फिर से खाना खाने चले गए। वहाँ पे तकरीबन 200 रुपए खर्च हो गए थे हमारे, क्योंकि दाल भात पावर 24 आवर, यही अपना रूल है और यही समझ में आता है हमें यार, कहीं भी जाओ तो दाल भात चाहिए अपने को। उसके बाद जब हम दूसरे दिन गए थे तो पेट्रोल तो यार मैंने पहले भरा लिया था, लेकिन यार दूसरे बाइक वाले भी भरा रहे थे तो मैंने सोचा यार कम ना पड़ जाए, तो सेफ्टी के लिए मैंने 100 रुपए का पेट्रोल और भरा लिया था। और वहाँ पे और कोई खर्चा नहीं हुआ हमारा। और वहाँ से जब कोक्सर से घूम के हम सिसु भी गए, और सिसु से वापस अटल टनल हो वापस हम सोलांग वैली में आए, तो उसके बाद हमने जो एक्टिविटी की थी उसके तकरीबन 450 रुपए मैंने दिए थे, और उसमें जिप लाइनिंग हमारी हुई थी। जिप लाइनिंग और अंजनी महादेव का टूर करने के बाद वहाँ पे हम आ गए थे वापस, और जो डे 3 हमारा चालू होता है कि सबसे पहले हम जोगनी फॉल गए थे, और जोगनी फॉल जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन हमारे साथ एक कांड हो गया था। हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो फुल बता रहा था जबकि उसमें कोई डेटा नहीं था, तो एक अलग से मैंने 900 रुपए का मेमोरी कार्ड खरीदा था। तो आप लोगों के लिए ये खर्चा नहीं होगा क्योंकि यार सब लोग वीडियो बनाने नहीं जाते ना। जोगनी फॉल और वशिष्ठ टेम्पल विजिट करने के बाद मुझे जाना था सेथन, जो कि अनदर 40 किलोमीटर है फ्रॉम मनाली। तो मुझे लगा कि यार वहाँ पे रिमोट एरिया है, थोड़ा पेट्रोल वगैरह ना खत्म हो जाए, इसलिए मैंने 100 रुपए का और पेट्रोल डलवा लिया, और हालांकि वो बाद में बच गया था,
लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए डरवा लिया कि यार वहाँ पे मैं फंस ना जाऊँ। और जब मैं वशिष्ठ टेम्पल गया था तो वहाँ पे मुझे 40 रुपए की पार्किंग भी लगी थी और 20 रुपए का मैंने पानी का बोतल भी लिया था। और जब मैं मनाली से सेथन विलेज की तरफ जा रहा था तो 100 रुपए का टोल लगा था सेथन विलेज जाने में, और काफी ज्यादा आनाकानी कर रहे थे वो कि यार बाइक के पेपर दो, आरसी दो, फलाना ठिकाना। लेकिन हमारा एक फोन घुमाते ही काम हो गया। जिससे हमने बाइक ली थी ना उसने कहा था मनाली या मनाली के आसपास अगर तुम्हें कोई भी पकड़े या कोई भी पूछे कुछ भी मुझे फोन करना। तो मैंने ऐसे ही किया था यार, क्योंकि मेरे पास पेपर ऊपर थे नहीं, लाइसेंस तो था मेरे पास, मुझे पता था कि मैं स्कूटी रेंट पे लूंगा मनाली में, तो इसलिए मैं अपना लाइसेंस लेके गया था। इसलिए मैंने उसको फोन घुमाया कि यहाँ पे यार भाई इन्होंने पकड़ लिया है, कोई जुगाड़ करो। तो फिर मैंने बात करा दी तो तुरंत ऐसे चुटकियों में काम हो गया, चुटकियों में, समझ रहे हो। उसके बाद सेथन विलेज से तपतपाती हुई गर्मी में जब मैं सजला वाटरफॉल के लिए जा रहा था तो मुझे लगी थी भूख, क्योंकि सेथन विलेज में आपको लगभग लगभग यार एक दुकान मिलेगी ऊपर जाके, और बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सेथन विलेज का जो ट्रिप स्टार्ट करोगे तो कुछ खाने के लिए ले लेना, वरना ऐसे हो जाएगा, समझ रहे। और उसके बाद जब मैं नीचे उतरा ना सेथन विलेज घूम के, मैंने ऊपर कुछ नहीं खाया क्योंकि यार मेरे को सही नहीं लगा ज्यादा वहाँ। तो मैं नीचे जब उतर रहा था और सजला वाटरफॉल की तरफ जा रहा था तो वहाँ पे मैंने सोचा यार खाना खाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने यार फ्रूट ले लिया, सस्ते का सस्ता और पेट जल्दी भर जाएगा। तो मैंने आधा दर्जन केले ले लिए थे 35 रुपए के, और मैंने वो खाए मजे से और पेट भर गया अपना फिर। और वहाँ पे मैंने 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी। जब मैं सजला वाटरफॉल से निकल रहा था तो मैंने सोचा यार मैंने सारा कुछ कवर कर ही लिया है, लगभग 99% चीजें, एक आधी कहीं छूटी होंगी तो छूटी होंगी, वरना मैंने हर चीज कवर कर ली है। तो मैं यहाँ पे यार रात क्यों रुकूं, मैं चलता हूँ वापस दिल्ली। तो रास्ते में आते समय ही मैंने अपना टिकट बुक कर लिया वॉल्वो का, जो कि पड़ा 1504 रुपए का, और बाइक तो थी मेरे पास। तो मैं वापस आ गया हॉस्टल बाइक लेके, और मैंने सारा झटपट एकदम सामान वामान पैक किया। और उसके बाद जो हमारे भैया थे ना हॉस्टल वाले, उन्होंने कहा था मनाली के मोमोज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने एक जगह भी बताई थी मॉल रोड के पास, वो बोले वहां से मोमोज जरूर खा लेना। मैंने दोपहर को भी खाना खाया नहीं था, बस वही केले खाए थे। उसके बाद मैंने सोचा यार मोमोज ले लेते हैं, इसको मैं बस में खाऊंगा बैठ के। मैं गया और वहाँ पे मैंने बाइक रिटर्न किया और मोमोज लिया, और मैं चला गया वहाँ से ऑटो पकड़ के बस स्टैंड, जहाँ पे मुझे मेरी बस मिलती दिल्ली के लिए। और वहाँ से मैंने जिंग बस की बस पकड़ ली। और उसके बाद जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे थोड़ी और भूख लग गई थी। फिर उसके बाद मैं एक ढाबा पड़ा था, उसके अंदर हम जाके हमने बोला यार सैंडविच दे दो, तो उन्होंने बोला डिनर का टाइम है, सैंडविच नहीं देंगे, ब्रेकफास्ट वाली चीजें मत मांगिए। तो वहाँ पे प्रॉपर यार डिनर की एक थाली ली थी हमने 200 रुपए की, और वो खा के हम आ गए थे दिल्ली। तो टोटल जो हमारा कॉस्ट पड़ा था यार मनाली जाने का, वो था 10,037 रुपीज। इतने में मेरा हुआ था 3 दिन का। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका भी इतना ही खर्चा होगा, आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सुविधाएं लेते हैं, क्या चीज खाते हैं और क्या चीज यूज करते हैं, कहाँ रुकते हैं, इस पे बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यार मेरी। अगर आपने अभी तक मेरी मनाली वाली सीरीज नहीं देखी है और आप मनाली जा रहे हैं तो जाने से पहले एक बार जरूर देखें, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हेल्प नहीं होगी तो यार वापस आके मुझे कमेंट जरूर करना यार भाई कोई भी मतलब यार हेल्प नहीं हुई हमारी, यार कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी, मैं इतना श्योरिटी दे रहा हूँ आपको। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर जाके देखें, ये आई बटन में लिंक आ रहा है, यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाओ आपको जरूर मजा आएगा। और मनाली से रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे आपको बाइक बुक करनी है वो भी मैं करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उनका नंबर भी दे दूंगा आपको। बिल्कुल भैया से एकदम जान पहचान हो गई, काफी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझसे नंबर मांग रहे थे और मैंने उन्हें कॉल करके मतलब अरेंज कराया था। आपको भी अगर चाहिए तो आप भी मुझे पिंग कर सकते हो या डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वो नंबर दे दूंगा, भैया से बात करा दूंगा, अरेंज करा दूंगा आपकी बाइक। मनाली से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ये मेरा हैंडल आ रहा है, यहाँ पे जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मनाली की काफी ज्यादा अच्छी फोटो वीडियो और रील वगैरह मैं बनाता हूँ यार, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेंगे तो बहुत सारी जानकारी ऐसी है कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती है यार, इंस्टाग्राम पे मिलती है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर मुझे फॉलो करें। आई होप करता हूँ कि यार अगली जो सीरीज हमारी होगी वो एकदम धमाकेदार होगी, और फिलहाल मैं उस वाली ट्रिप से आ चुका हूँ। वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो यार लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे यूट्यूब की दुकान से, और मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।